प्रधानमंत्री मोदी जी ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए स्वीकार किया था, आज उसी चीज को किसान मांग रहा है। और किसानों के साथ हिटलर शाही का मतलब होता है कि इस देश की रीढ़ को तोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। किसान के पास ट्रैक्टर होता है, हर बैल होता है, लड़िया होती है, बैलगाड़ी होती है, तो उसी से तो आएगा। आप भारत रत्न देकर किसान भूखा मर रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और आप उनकी नीतियों को लागू ना करके किसानों को बहकावा दे रहे हैं। तो महंगाई की मार तो बहुत हुई है, लेकिन कहीं भी किसान को राहत नहीं दी है। ये कहते हैं इलेक्शन के टाइम पे क्यों आए? अरे कौन से टाइम पे आए? तुम कब सुनते हो? तुम भी तो इलेक्शन टाइम पे ही सुनते हो, तो सही जवाब तुमको इलेक्शन टाइम पे दिया जाए। हमें राशन क्यों दे रहे हो? मनुष्य को, हमारी जनता को इतना स्वावलंबी बनाइए, उनको ऐसा रोजगार दीजिए कि वो किसी से राशन मांगने का बात ही ना करें। कैसे देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं लगातार, वो दिल्ली आना चाहते हैं लेकिन उनके राह में जो है कील कांटे और तमाम तरह की बैरिकेडिंग है। भारत सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर रही है, और इस बर्बरता का जवाब किसान जो है उनको आने वाले समय में जरूर देगा, क्योंकि किसान अपना हक मांग रहा है। जिस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ समय पहले घड़ियाली आंसू बहाते हुए स्वीकार किया था, आज उसी चीज़ को किसान मांग रहा है। और किसान इस देश की रीढ़ है, किसान को उपेक्षित करना, उसकी जायज मांग को न मानना, ये हिटलर शाही है, और ये हिटलर शाही जो है इनको ले डूबेगी निश्चित। तो लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है भाई जो मामला है बातचीत से सुलझेगा, और बातचीत का दौर भी जारी है, तो किसान क्यों नहीं मान रहे थे? बातचीत कितनी बार करेंगे? एक बार बातचीत हुई, दो बार बातचीत हुई, और बातचीत के बाद ही जो है इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, किसानों को मिलना चाहिए, इनका हक है, और उन्होंने समय बाउंड कार्यक्रम भी दिया कि हम देंगे। तो आज जब किसान देखा कि ये कहने के बाद भी नहीं दे पा रहे हैं, तो किसान अपनी बात को कहने के लिए अगर आ रहा है तो उसके साथ जो बर्बरता ये कर रहे हैं ये सिर्फ हिटलर शाही है। और किसानों के साथ हिटलर शाही का मतलब होता है कि इस देश की रीढ़ को तोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम करें, उनका तौर तरीका गलत है, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं दिल्ली, ट्रैक्टर कहाँ लाए? ट्रैक्टर खेतों में चले। तो किसान के पास क्या हवाई जहाज होता है? किसान के पास ट्रैक्टर होता है, हर बैल होता है, लड़िया होती है, बैलगाड़ी होती है, तो उसी से तो आएगा। एरोप्लेन वाला तो किसान है नहीं, एरोप्लेन वाले तो अडानी अंबानी है, वो इनसे मिलने के लिए आते हैं। किसान के पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से आएगा, लड़िया से आएगा, बैलगाड़ी से आएगा। और जो ये कह रहे हैं कि किसान जो है किसान नहीं है, तो किसान नहीं है तो आपने इसके पहले क्या समझ के मान लिया था मांगों को? उस समय भी तो आपने कहा कि किसान नहीं है, किसी ने कहा अफगानिस्तानी है, नकली किसान है, असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है, उसके पास टाइम कहाँ है? ये उनका बड़बोलापन है और अज्ञानता है, अज्ञानता है, और इस अज्ञानता का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। किसान जो है, मैंने कहा ना कि किसान इस देश की रीढ़ है, और किसान अपनी मांग को मांगने के लिए आ रहा है, वो उसका हक है, उसको देना पड़ेगा। और इनकी ये नीति है कि जो भी व्यक्ति अपने हक अधिकार की बात करता है उसको ये यही कहते हैं कि ये तो इसका हिस्सा बनता ही नहीं है। हिस्सा किसका बनेगा? अडानी का बनेगा, अंबानी का बनेगा, मेहुल चौकसी का बनेगा, जो लाखों लाख करोड़ रुपया लेके भाग गए हैं, किसानों का पैसा लेके भाग गए। बड़े बड़े नेताओं को इतना बड़ा बड़ा सम्मान, भारत रत्न दिया, चाहे वो स्वामीनाथन हो, चाहे चौधरी चरण जी हो, और क्या चाहिए? चौधरी चरण सिंह इस देश के वास्तविक किसान नेता थे, उनको सम्मान मिला, यह सम्मान तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन यह सम्मान ऐसे समय में दे करके उस सम्मान की प्रतिभा को, उस सम्मान के मतलब उसको मजबूती को, उसकी क्या कहते हैं भारीपन को इन्होंने घटा दिया। आज जब चुनाव आया है तो ये सबको भारत रत्न दे रहे हैं, मतलब वो भारत रत्न का भी अपमान हो रहा है, तो सम्मान हजम नहीं हो रहा है। नहीं, सम्मान हजम की बात नहीं है। आप जब अच्छा काम करके आएंगे तब हम बहादुरी आपको देंगे, तब वो वक्त तो होता है कि आप जब सो रहे हैं तब बहादुरी देंगे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, निःसंदेह उनको ये सम्मान मिला, मिलना चाहिए, लेकिन ये चीज पहले क्यों नहीं हुई? किसान बड़ा दमखम दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, क्या कहेंगे वो? दिल्ली आना चाहिए उन्हें, क्यों? दिल्ली सभी की है, किसी व्यक्ति विशेष की दिल्ली है या किसी ने खरीद रखी है? जिनको सत्ता में बैठाया है
वो किसानों ने ही बिठाया है। अगर वो सब लोग भूल जाएंगे कि किसान आना चाह रहा है तो उसे आने दें ना, उसकी व्यवस्था करें, उसको बिठाएं कहीं एक जगह पे। व्यवस्था तो की गई है ना शंभू बॉर्डर पर। अरे शंभू बॉर्डर पे आप किलों से व्यवस्था करेंगे, बैरिकेटिंग कर करेंगे, उन पर रबर बुलेट्स चलाएंगे, उनको घायल करेंगे। एक बच्चे की भी डेथ हुई है वहाँ पर, एक किसान की भी डेथ हुई है, अपने परिवार का एक अकेला है। तो अगर आप इस तरीके से किसान का सम्मान करना चाहते हैं तो किसान उससे अच्छी तरीके से आपका सम्मान करना जानता है। किसान दिल्ली आकर ही रहेगा। नकली किसान है, कहा जाता है नकली किसान है। तो हम कह रहे हैं, ये जो नेता बोल रहे हैं ये नकली है भाई, हमारे ही वोटों से बने हैं ना, लोकतंत्र है इस देश में। अभी आप बताइए, जब ये वोट लेते हैं तो उस टाइम आप पिछले किसी के भी वादे उठाइए, किसी भी पार्टी के वादे उठाइए, वो क्या कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सब लागू करेंगे सारे वादे। क्या मोदी जी ने वादा नहीं किया था 500 रुपए का सिलेंडर देंगे हम राजस्थान में? हुआ है क्या 500 रुपए का? बताओ, आप बताइए। नहीं हुआ ना। आप जब झूठ बोल कर आएंगे तो कोरोना में कह के आया था कि मैं शुगर फैक्ट्री चला दूंगा, यहाँ के सांसद के अंगने में मिल है, और क्यों नहीं चल रहा है? मित्रों, इस मिल को मैं चलाऊंगा, जा रहा हूँ, भारी बहुमत से हमको जिताओ, हम इस मिल को चलाएंगे, ये सांसद तो नहीं चला पाएगा। अभी तो कम कर दी। और अभी आज एक पैर नहीं रखे। आपने भी बहुत बड़ी बात कही थी कि माननीय हमारे चौधरी शरद सिंह जो मसीहा है किसानों के, उनको भारत रत्न दिया, मसीहा है ना किसानों के, हम भगवान मानते हैं उनको अपना, समझ गए ना? मैं किसान नेता हूँ खुद भी, ठीक है ना? तो हम सब उन्हें किसान अपना भगवान मानते हैं। आपने इतने लेट इस समय दे रहे हैं, ये राजनीति नहीं है। और फिर किसान, आप उनकी नीतियों को लागू क्यों नहीं करते? आप भारत रत्न देकर किसान भूखा मर रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और आप उनकी नीतियों को लागू ना करके किसानों को बहकावा दे रहे हैं कि हमने चरण सिंह जी को क्या कहते हैं भारत रत्न दे दिया। अरे वो भारत रत्न तो दे दिया आपने, इसकी किसी ने ये कहा, लेकिन सही समय उसका भी एक सही समय होता है। सरकार और किसानों से बातचीत चली, सरकार ने भाई प्रस्ताव रखा कि हम 5 साल तक 5 फसलों पर MSP देंगे, तो किसान माने क्यों नहीं? MSP क्या दी, MAP क्या दी, ये बताइए। खाद की बोरी जो हमारी 50 किलो की आ रही थी 45 करी, और 45 करने के बाद फिर 40 कर दी, ये कहाँ जा रहा है? GST लगा रहा है उसको, हमारे किसान का घर से ला रहा है। किसान पे भी 18% 18% GST देने के बाद किसान कर रहा है, तो आप बताइए किसान घर से ला के देगा? तो हमारी खा रहे ना, खा तो हमारी रही हो। किसान तो खुशहाल है, तो किसान कहाँ जाएगा कमा के? तुम्हें ही दे रहा, तुम ही दे रहे हो। 50 की बोरी थी 45 आई, 45 के बाद 40 कर दी, कहाँ जाने जा रहे? और कीमत हो गई है, कुछ तो हो गई है, अब रोक भी दी है, कुछ हो भी गई है। किसी किसी बोरी में 40 ही आ रहा है। आलू की देख लो, गेहूं की देख लो, धान की देख लो, ज्वारा की, किसी भी फसल की उठा के देख लो, MRP पूरी है आज की डेट में। ये बताओ क्या फसल, क्या फसलों के दाम बढ़े हैं, पेस्टिसाइड के दाम बढ़े हैं, आप बताइए। खाद महंगी हुई है, पानी जो आदमी खेत में लगाता है उसको प्रति बीघा पे खर्चा अधिक आ रहा है। तो महंगाई की मार तो बहुत हुई है, लेकिन कहीं भी किसान को राहत नहीं दी है। और इस इलेक्शन में ये कहते हैं इलेक्शन के टाइम पे क्यों आए? अरे कौन से टाइम पे आए, तुम कब सुनते हो? तुम भी तो इलेक्शन टाइम पे ही सुनते हो, तो सही जवाब तुमको इलेक्शन टाइम पे दिया जाएगा। इलेक्शन टाइम पे आ रहे हैं किसान, ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही लगता है? ऐसा है कि जब किसान की दुर्दशा हो रही है तो जब आप किसान हैं और क्या समझ, खुशहाल है कि नहीं? नहीं, खुशहाल नहीं। क्या हो गया? क्यों बताइए, कैसे खुशहाल रहेगा? प्रश्न बताइए ना, आप हमें से प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं खुशहाल है, आप कह रहे नहीं है, तो नहीं क्यों है? नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि लागत खेती की लगभग 200 गुना बढ़ चुकी है, और कीमत बढ़ी है 25 गुना, तो अभी कहाँ से खुशहाल होगा? जिस अनुपात में लागत बढ़ी है प्रति बीघा फसल की उत्पादन की, तो उतनी कीमत बढ़नी चाहिए, जो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट में तैयार किया। किसान सम्मान निधि तो मिल रहा है, तो क्या 2000 से 10-20 हजार वसूले जा रहे हैं, 2000 दिए जा रहे हैं, 400 का सिलेंडर 1000 रुपए मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? राशन कहीं कोई नहीं, राशन पहले ही मिल जाता है। राशन कोई नया नहीं दिया है इन्होंने, राशन कोई नया नहीं दिया जा रहा है, राशन तो पहले ही मिल रहा था। व्यवस्था ठीक हो गई, लेकिन राशन, हमें राशन क्यों दे रहे हो? मनुष्य को, हमारी जनता को इतना स्वावलंबी बनाइए, उनको ऐसा रोजगार दीजिए कि वो किसी से राशन मांगने का बात ही ना करे। पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं किसान, ये सही है? क्यों नहीं सही है भैया? गलत क्या है? आप तैयारी के साथ रहे, हम तैयारी के साथ नहीं आएंगे। हम तैयारी से ना आए तो किसान गुंडा हो गया। आ नहीं पा रहे हैं, लगता है आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ये आपको आप आने वाली 26 तारीख को देख पाएंगे, किसान पूरे दमखम से दिल्ली में प्रवेश करेंगे।
भरोसा है, भरोसा है। हाँ। और पहले भी ये भरोसा, हाँ। लोग पिछली बार बैठे थे ना, हाँ। तो लोगों ने क्या कहा था, रही है नहीं रह पाएंगे, वीडियो देखने, कितने बैरियर उसमें लगे हैं, कितने भी लगे हों, हमारे हौसलों से बढ़कर नहीं है वो बैरियर, और हमारे हौसलों से बढ़कर नहीं है। जब किसान अपने हौसले पे है तो ये बैरियर चंद मिनटों के लिए होंगे। अभी हम शांतिपूर्वक प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं, हम सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार हमारा निदान कर दे। उसको लगता है कि हम इलेक्शन के लिए आए हैं, तो वो अपना हमारा निदान कर दे, सारे किसान वापस चले जाएंगे। हमारी जो मांगे हैं वो कम से कम हमारी जायज मांगे हैं, हमारी जायज मांगे वो मान लें। उसके बातचीत तो कर रही है सरकार, अब सरकार बातचीत तो पिछली बार भी कर रही थी, पूरा साल लगा दिया, दो साल हो गए, सरकार बातचीत का दिखावा कर रही है, बातचीत नहीं कर रही है।